News 18, India. मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते दो वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है, ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए, राशन की योजना में लीकेज होती है जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है, इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है, ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहते फ्रेजाइल 5 पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले, हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा
कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया?